लोकसभा चोणां दे लई पंजाब च अज तों नामजदगियां दा दौर शुरू। 14 मई तक उम्मीदवार भर सकणगे परचे। 1 जून नूं सारियां 13 सीटां लई होवेगी वोटिंग। तीजे गेड़ तहत 12 सूबियां दीआं 93 सीटां ते अज होवेगी वोटिंग। अहमदाबाद च वोट पाउणगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर च अपने वोट हक दा इस्तेमाल करनगे गृहमंत्री अमित शाह। केजरीवाल की जमानत से आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई। लोकसभा चोणां लई केजरीवाल नूं अंतरिम जमानत देण ते कोर्ट केजरीवाल ते ईडी दा सुनेगी पक्ष। पंजाब 13-0 दे मिशन ते मुख्यमंत्री भगवंत मान आज सवेरे 10 बजे अबोहर दे बल्लूआणा च करनगे जनसभा। तां शाम 4 बजे बठिंडा च रोड शो कढ़ के जुटाउणगे समर्थन। अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने चोण प्रचार च चोखी ताकत। अज अमृतसर च पार्टी उम्मीदवार अनिल जोशी लई करनगे प्रचार। शाम नूं व्यापारियां नाल करनगे मीटिंग। पुंछ हमले नूं लै के चन्नी ते जाखड़ विचाले छिड़ी जुबानी जंग। जाखड़ बोले चन्नी च बोल रहा ट्रूडो, तां चन्नी ने जाखड़ तो पुराने बयानां ते मंगिया जवाब। जाखड़ बोले मैं अपने स्टैंड ते कायम, पर चन्नी दसन आतंकवादी हमले नूं क्यों दस्या स्टंटबाजी। बीजेपी की शिकायत ते 3 घंटे बाद ही इलेक्शन कमीशन ने पंजाब डीजीपी तो मंगी रिपोर्ट। निरपक्ष चोन अमल अते बीजेपी उम्मीदवार की सुरक्षा ते मंगया जवाब। चंडीगढ़ अकाली दल नू लग्या झटका। अकाली दल वालों ऐलाने गए उम्मीदवार हरदीप सिंह बुटरेला ने छड्डी पार्टी। कहा टॉप लीडरशिप की चंडीगढ़ प्रति बेरुखी करके लिया फैसला। किसान शुभकरण सिंह मौत मामले च एक्शन च एसआईटी। प्रताप सिंह बाजवा ते किसान लीडरां ने एसआईटी कोल दर्ज करवाए बयान। किसान आंदोलन दौरान खनौरी बॉर्डर ते हरियाणा पुलिस नाल हुई झड़प च हुई सी शुभकरण दी मौत। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप लई टीम इंडिया दी नवी जर्सी लॉन्च। नीले ते ऑरेंज रंग दा कॉम्बिनेशन, वी शेप दे गले वाली है टी शर्ट। गले ते बनाए गए ने तिरंगे दे रंग। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब। हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे लोकसभा चोणां दी। देश अज तीजे गेड की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 11 सूबे दी 93 सीटां ते वोटिंग शुरू हो चुकी है। सवेरे वोटिंग 7 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक होगी। 1352 कैंडीडेट्स की किस्मत ईवीएम च अज बंद होगी। 2 गेट की वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। 19 अप्रैल नूं पहले गेट की वोटिंग हुई सी, 26 अप्रैल नूं दूजे गेट की वोटिंग हुई सी। अज तीजे गेट की वोटिंग है ते 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक वोटां पैणगियां। इस विचाले देश के गृहमंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया सने 7 केंद्र मंत्रियों की सीटां ते वोटिंग होगी। गुजरात दीआं सारियां 25 सीटां ते वोटिंग होगी। इस विचाले दस के गुजरात की इंडिया अलायंस के तहत जो है कांग्रेस पार्टी के वलों बाकी सीटा ते चोन लड़ी जा रही है। इस विचाले 2 सीटा आम आदमी पार्टी के खाते च आईया ने, भरूच ते भावनगर सीट, जिससे कि सीएम भगवंत मान उत्थे पहुंचे से कि जोर शोर चोन प्रचार किया गया सीगा। कर्नाटक दीआं 14 ते महाराष्ट्र दीआं 11 सीटा ते वोटिंग होएगी। उत्तर प्रदेश दीआं 10 सीटा ते, मध्य प्रदेश दीआं 9 सीटा ते, छत्तीसगढ़ दीआं 7 सीटा ते, बिहार दीआं 5 सीटा ते अज वोटां पै रहीआं ने। सियासी दिग्गज अमित शाह जो कि गांधीनगर जो सीट है गुजरात की, उत्थों चोन मैदान च उतरे ने। 2019 च भी उन्होंने वालों शानदार जित प्राप्त की गई सी। शिवराज सिंह चौहान साबका सीएम ओ भी चोन मैदान च उतरे ने। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत अज ईवीएम च कैद होएगी। इस तो इलावा डिंपल यादव, मुलायम यादव दिनो ओ भी चोन मैदान च उतरे ने मैनपुरी सीट तो, जो कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ कही जाती है। अधीर रंजन चौधरी अते यूसुफ पठान दीआं सीटां ते वी मतदान हो रहा है। 93 सीटां ते 17 करोड़ वोटर्स ने अहमदाबाद च वोट पाउणगे। इस विचाले अहमदाबाद च वोट पाउणगे पीएम नरेंद्र मोदी। जे असीं पीएम नरेंद्र मोदी दी गल करिए ते पीएम नरेंद्र मोदी एतकी वाराणसी सीट है यूपी दी, उत्थों चोण मैदान च उतरे ने। हालांकि 2014 च उन्हां दे वल्लों उत्थों जीत प्राप्त की गई सी, 2019 च वी उत्थों जीतू रहे सीगे। वाराणसी सीट जिथे कि पीएम नरेंद्र मोदी जिथों चोण मैदान च उतरे ने, ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਜੋ ਮਤਦਾਨ ਹੈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 80 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 7 ਗੇੜ ਚੋਤੇ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀਟ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
आज अनंतनाग छोन वाली वोटिंग टाल दिती गई है। हुण अनंतनाग छेवें फेज च वोटिंग होएगी। छेवें फेज की वोटिंग 25 मई नूं दस्सदे अज 19 सूबिया च वोटिंग पूरी हो जाएगी। इस विचाले 543 चो 283 सीटां ते वोटिंग पूरी हो जाएगी। ते अज वोटिंग वाली सीटां ते पिछलियां दो बार दीआं चोणां ते बीजेपी का दबदबा है। 2019 च इन्हां चो कांग्रेस सिर्फ 4 सीटां ही जीत सकी सी, जदों कि 2014 च कांग्रेस 8 सीटां जीती सी। तीजे फेज की तीजे गेट की वोटिंग पूरे देश भर शुरू हो चुकी है। 7 गेट आ चोणां होणियां ने। इस दे विचाले 11 सूबिया दीआं 11 स्टेट्स दीआं 93 सीटां ते वोटिंग शुरू हो चुकी है। जो कैंडीडेट्स ने इस विचाले उन्हां दी किस्मत ईवीएम च कैद होएगी। जिन्हें भी देशवासी ने 18 साल तो उपर ने अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोटिंग पोल्स से पोलिंग स्टेशन से पहुंच के इस दे विचाले 1352 कैंडीडेट्स ने जिन्हां दी किस्मत ईवीएम च अज कैद होएगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल करेंगे, अहमदाबाद पहुंचेंगे तो उत्थे उन्हां दे वल्लों अपनी वोट कास्ट की जाएगी, वोट पाएंगे। क्योंकि जे असीं गल करिए गुजरात दी 25 सीटां ते वोटिंग अज होण जा रही है। देश दे गृह मंत्री अमित शाह जो कि गांधीनगर सीट तो चोण मैदान च उतरे ने, उन्हां दी भी किस्मत अज ईवीएम च कैद होएगी। हालांकि उन्हां दे वल्लों भी अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस विचाले पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया से लिखा है कि अज दे पड़ाव विच वोट पाउण वाले सारे लोगों नूं रिकॉर्ड गिनती च वोट करन दी अपील है। उन्हां दी सरगर्म हिस्सेदारी यकीनी तौर पर चोणां नूं होर जोशीला बनाएगी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों ट्वीट किया जाता है कि हर जो देशवासी है अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल वध चढ़ के करे। इस विचाले 7 गेट च देश दीआं जो जिन्नियां भी सीटां ने, लोकसभा सीटां ने 543 सीटां, उन्हां ते वोट पैनी है। ते अज 7 केंद्र मंत्री ते 4 साबका मुख्यमंत्री दी जो किस्मत है वह दांव ते लगी हुई है। देश दे गृह मंत्री अमित शाह चोण मैदान च उतरे ने। मनसुख मांडविया जो देश दे सेहत मंत्री ने, वह भी उन्हां दी भी जो किस्मत है वह दांव ते लगी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उड्डयन मंत्री ने, उन्हां दी भी किस्मत दांव ते लगी हुई है। नारायण राणे ते एसपी सिंह, श्रीपद येसो, प्रहलाद जोशी आ तमाम आगू ने जिन्हां दी किस्मत दांव ते लगी हुई है। शिवराज सिंह चौहान साबका मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वह भी चोन मैदान च उतरे ने। उन्हां दी भी किस्मत अज अजमाई जाएगी, ईवीएम च उन्हां दी किस्मत कैद होएगी। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश तो चोन मैदान च उतरे ने। बसवराज बोसाई कर्नाटक तो चोन मैदान च उतरे ने। जगदीश शेट्टर कर्नाटक तो चोन मैदान च उतरे ने। जे असीं गल करिए देश दे गृहमंत्री अमित शाह दी, ते अमित शाह दा मुकाबला कांग्रेस दी सोनल रमन भाई पटेल दे नाल है। जे असीं 2019 दा जिक्र करिए, 2019 च गांधीनगर सीट तो देश दे गृहमंत्री अमित शाह दे वल्लों शानदार जित प्राप्त की गई सी। लाइव तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो, लाइव तस्वीरां च वेख्या जा सकदा है कि इस विचाले पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल करेंगे, अहमदाबाद च उन्होंने वालों अपनी वोट पाई जाएगी। लाइव तस्वीर तुसी वेख पा रहे हो, अहमदाबाद तो पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला देखा जा सकता तस्वीर च। पीएम नरेंद्र मोदी निकल चुके ने, अपनी वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाएगा। क्योंकि जिन्या भी गुजरात दीटा ने उन्होंने अज पोलिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है। इस विचाले देश के गृहमंत्री अमित शाह की भी दा किस्मत ते लगी हुई है। हाल ही असीं तुहानूं विखाया पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला जो कि निकल चुके ने, अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाएगा। इस तो पहला पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया, उन्होंने लिखा कि अज के पड़ाव में वोट पाने वाले सारे लोगों को रिकॉर्ड गिनती वोट करने की अपील उन्होंने वालों की गई। उन्होंने सरगर्म हिस्सेदारी यकीनी तौर पर चोणों को होर जोशीला बनाई। तो पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला हाल ही तुम अपनी तस्वीर वेखिया ने, लाइव तस्वीर तुम्हें विखाई। इस विचाले पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है पोलिंग स्टेशन के लिए। उत्थे पहुंच के उन्होंने वालों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल पीएम नरेंद्र मोदी के वालों किया जाएगा। हालांकि जे असीं पीएम नरेंद्र मोदी की गल करिए, पीएम नरेंद्र मोदी एतकी वाराणसी सीट तो चोन मैदान च उतरे ने, यूपी की वाराणसी सीट। हालांकि 2014 ते 2019 उन्होंने वालों शानदार जित प्राप्त की गई सी। वाराणसी सीट जो यूपी की है, उत्थे 7वें गेट यानी कि 1 जून नूं वोटिंग पैनी है, पोलां होणियां ने। पर अज पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला निकलिया है। हालांकि अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाएगा। तो पूरा ही देश तैयार है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, पोलिंग शुरू हो चुकी है। सवेरे 7 बजे तो आ पोलिंग शुरू होकर शाम 6 बजे तक होएगी। तो 11 सूबिया 93 सीटा ते आ वोटिंग हो रही है। वड्डे वड्डे जो दिग्गज ने उन्होंने किस्मत दा ते लगी हुई है। अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया सने 7 केंद्रीय मंत्रियों दी सीटा ते अज वोटिंग होएगी। कतारां विखियां जा सके, लंबे लंबे कतारां लोगों दियां लगनियां शुरू हो चुकिया ने। अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जा रहा है। इस विचाले पोलिंग स्टेशन तक पहुंच उन्होंने वालों की जा रही है।
दो गेट दिया वोटा ऑलरेडी पै चुकिया ने। अज तीजे गेट दी पोलिंग होनी है जिस दे तहत जो है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दे वलो सुरक्षा दे तमाम पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, इस करके ताजो जो लोग ने अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल कर सकते। लाइव तस्वीर तुम वेख पा रहे हो जिथे कि पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला उत्थे पहुंचेगा ते पीएम नरेंद्र मोदी अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाएगा। कर्नाटक दिया 14 सीटा महाराष्ट्र दिया 11 सीटा अज वोटिंग होगी, उत्तर प्रदेश दिया 10, मध्य प्रदेश दिया 9, छत्तीसगढ़ दिया 7, बिहार दिया 5 सीटा अज वोटा पै रही है। पीएम नरेंद्र मोदी वालों ट्वीट किया गया है, उन्होंने कहा कि वध चढ़ के अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल जो है लोगों के वालों किया जाए तो अपने पसंदीदा लीडर चुनिया जाए। हालांकि बीजेपी के वालों एतकी 400 पार का नारा दिता गया है कि एतकी 400 तो भी ज़्यादा सीटा बीजेपी के वालों जीतिया जाएगी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि एतकी भी बीजेपी के वालों हैट्रिक लगाई जाएगी। तो अहमदाबाद दी लाइव तस्वीर तुम वेख पा रहे हो गुजरात दिया ने, इस विचाले पीएम नरेंद्र मोदी इतने ही पहुंचेंगे, उन्होंने काफिला हालांकि निकल चुका है, अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाएगा। देखा जा सकता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ने चप्पे चप्पे से पुलिस तैनात की गई, हालांकि जो लोग ने वो भी पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाएगा। तो अहमदाबाद गुजरात दिया लाइव तस्वीर तुम देख पा रहे हो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ने, हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है, इतने ही पहुंचेंगे कुछ ही देर से उन्होंने वालों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जाएगा, वोट उन्होंने वालों पाई जाएगी। तो लाइव तस्वीर ने गुजरात अहमदाबाद दिया पीएम नरेंद्र मोदी खुद अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस विचाले अमित शाह ज्योतिरादित्य सिंधिया सने 7 केंद्रीय मंत्रियों दी सीटा ते भी अज वोटिंग होएगी। दो गेट दिया जो चोणा ने ऑलरेडी हो चुकिया ने, अज तीजे गेट की वोटिंग शुरू हो जा रही है। 543 चो 243 सीटा ते वोटिंग पूरी हो जाएगी, जो कि अज की पूरी जो तीजे गेट की पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी। अज 19 सूबिया च वोटिंग पूरी हो जाएगी। इस तो बाद अज वोटिंग वाली सीटा ते पिछलियां दो बार दियां चोणां तो बीजेपी का दबदबा है। 2019 दी असीं गल करीए 2019 च इन्हां चों कांग्रेस सिर्फ 4 सीटा ते ही जीत सकी सी, जदों कि 2014 च कांग्रेस 8 सीटा ते जीती सी। लाइव तस्वीर अहमदाबाद दियां ने, कुछ ही देर च कुछ ही मिनटां च पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला इत्थे पहुंचेगा, पीएम नरेंद्र मोदी अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाएगा। हालांकि लोगों को भी अपील उन्होंने वालों बार बार की जाती है कि अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाए। सियासी दिग्गज काफी ने जो अमित शाह देश के गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर सीट तो चोन मैदान उतरे ने, उन्होंने भी किस्मत अज ईवीएम च कैद होएगी। गांधीनगर सीट यानी कि गुजरात की जिन्हें भी सीटा ने उत्थे पोलिंग अज हो जा रही है। शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत अज ईवीएम च कैद होएगी। इस तो अलावा डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव की जो नौ ने उन्होंने भी किस्मत अज ईवीएम च कैद होएगी। मैनपुरी सीट जिथे कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ कही जाती है उतों चोन मैदान च उतरे ने। जे असीं यूपी की गल करिए इंडिया गठजोड़ के तहत यूपी च कांग्रेस पार्टी 17 सीटा ते चुन लड़ रही है, ते बाकी सीटा ते समाजवादी पार्टी यानी कि 63 सीटा ते समाजवादी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है। मैं सभी बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करे। ये अद्भुत चुनाव है, जनता ने मुझे असीम प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव के प्रचार के दौरान दिया है। बहनों ने आरती उतारी, पैसे मेरे हाथ में दिए चुनाव लड़ने के लिए, बच्चों ने गुल्लकें भेंट की, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं प्रेम के सागर में, प्रेम की लहर पर सवार होकर ये चुनाव लड़ता रहा। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है, और जनता ही लड़ रही है, और जनता ही आशीर्वाद दे रही है। त
ਉੱਤੇ ਆ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। 4 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਗਿਰੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। 2014 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 2019 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ 2024 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀਟ 'ਚ 7ਵੇਂ ਗੇਟ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਟ ਆਪਣੀ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭੁਗਤਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਜਰਾਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੀਜੇ ਗੇਟ ਦੀ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 93 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 93 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 93 ਸੀਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, 4 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। 2019 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ 2024 'ਚ ਵੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ EVM 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ 'ਚ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਮਾਮ ਜੋ ਕੌਨਵੋਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਤੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰਿਸੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੀਜੇ ਗੇਟ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 93 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1352 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ EVM 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਸਣੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀਆਂ 7 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 14 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੇ ਕੌਨਵੋਏ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਗਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ, ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਯੂਸ
ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੋਨਲ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਢੋਲ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਮਾਮ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਮਾਮ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी वो आडवाणी जी के समय में वो संभालते थे। और बात करें कुछ दिन पहले ही, कुछ समय पहले ही दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का हुआ था, एबीपी का, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है विद्यार्थी परिषद के, यानी कि उस जो आज जो कुछ है उसको एबीपी को श्रेय दिया था उस पूरे राजनीतिक प्रबंधन का, कि किस तरह से राजनीति का प्रबंधन उन्होंने अपने छात्र जीवन में एबीपी का कार्यकर्ता रहते हुए सीखा था। और यही कारण है कि आज वो सफलतम गृह मंत्रियों में से एक माने जाते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय के बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो उससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर उनकी अगवानी के लिए पहुँच गए हैं। और अब से कुछ पल में ही प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके बाद वो अपना वोट डालेंगे और उसके बाद वोट डालने के बाद वो अपने भाई के घर जाएंगे, जहाँ पर वो हमेशा जाते हैं, चाय जलपान यानी ब्रेकफास्ट वो यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए वो दूसरे प्रदेशों में जहाँ जहाँ उनकी आज जनसभाएँ वहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी कि इंतज़ार अब बस कुछ ही पलों का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस निशान शिक्षण संकुल में जो पोलिंग बूथ बनाया गया है यहाँ पर पहुँचेंगे। का लगातार सिलसिला जारी है आने का और चेकिंग करने के बाद, क्योंकि जो चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और जो वोटर है वो आराम से पहुँच सके, उसके खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं लोगों की जो पब्लिक है वो आना शुरू हो गई है प्रधानमंत्री मोदी की झलक देखने के लिए और अपना वोट डालने के लिए, यानी कि कुछ ही समय का इंतजार है, क्योंकि राजभवन जो है वो गांधीनगर में है और गांधीनगर से यहाँ की थोड़ी सी दूरी है, उसमें थोड़ा समय लगता है। और अब वो इंतजार है बस कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और अपना वोट डालेंगे। पूरे तमाम जो इंतजाम है वो किया चुके हैं, हालांकि पोलिंग अंदर शुरू हो चुकी है, लगातार जो वोटर हैं वो वोट डाल रहे हैं। और अब गृहमंत्री अमित शाह इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, कि वो आएंगे अपना वोट डालेंगे, उसके बाद अमित शाह अपने पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वहां पर अपने परिवार के साथ वोट डालेंगे। फिलहाल यहां पर इंतजार है ढोल नगाड़ों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी के आने का। जो निशान शिक्षण संकुल है इसके चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, कि जिससे जो मतदाता है प्रधानमंत्री का स्वागत तो करेंगे ही, लेकिन मतदाताओं का भी स्वागत होगा और बड़ी संख्या में वो वोट डालें, वो जागरूकता बढ़ाने के लिए कई तरह की यतीन कुछ हलचल हुई है। क्या आपको भी वो हलचल महसूस हुई है? क्योंकि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ आपके कैमरा और एक दूसरा एंगल से दिखाई दे रहा है कि कुछ हलचल तेज हुई है, कुछ अधिकारी दौड़कर अमित शाह के पास आए हैं, उनको कुछ जानकारी दी है, फिर उसके बाद अमित शाह भी वहां पर पहुंचे, उस जगह पर इंतजार करते हुए नजर भी आ रहे हैं। यतीन देखिए, जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर अभी भी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल मजबूत की गई है, और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यहाँ पर आएंगे। हमारे साथ कई वोटर हैं जो यहाँ पर वोट डालने आए हैं। वोट डाल चुके हैं, क्या सोच के वोट डाला आपने? इंडिया एयरलाइंस वाले को नजर न लग जावे इसलिए हमने काला टीका लगा दिया है। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे? दे उसमें से कोई दिल्ली जाने वाला नहीं है, हमारे मोदी दिल्ली जाने वाला है। अच्छा, कोई भी जाने वाला नहीं है। कई महिलाएं यहाँ पर है हमारे साथ, क्या वोट डाल दिया आपने? नहीं, हम यहाँ वोट डालने जाएंगे? यहाँ पे नहीं है हमारा। अच्छा। हमारा तो दूसरी जगह पे है, लेकिन है तो यही इसी जगह। तो क्या सोच के वोट डालेंगे आप? मोदी को देख के। मोदी को देखने भी यहाँ पर आए हैं, वोट कहीं और है लेकिन यहाँ पर जिताना है, मोदी जी को ही जिताना है। उनको देखने आए कि वोट डालने? देखने आए, वोट तो दूसरी जगह पे डालने जाना है। कितने दूर है यहाँ से? 5-7 मिनट का रास्ता है। आपका वोट है यहाँ पर? खेल रहे हैं, योगा कर करा रहे हैं जी। योगा करके आए, सिर्फ मोदी जी को देखने आए। मोदी जी को देखने आए हैं केवल? हाँ। योग करके आए कि छोड़ कर आ गए? नहीं, करके आए जी। यस, हम वोट डाल के आए। सुबह सुबह पहला वोट हमारा था वही स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल में हमारा था वोटिंग, तो पहले ही सुबह 7 बजे अपना फर्स्ट वोट डाला है मोदी जी को।
और बीजेपी 100% आएगी आएगी सर। थैंक यू। आपने वोट डाला? मोदी जी को देखने आई हूँ। मैं मोदी जी को देखने आई हूँ और देखने के बाद ही जाऊंगी। कितनी दूर है यहाँ से पोलिंग? बस 2 मिनट का डिस्टेंस है। केवल मोदी जी को देखने आप तो आए हैं। आपने वोट डाला? नहीं, मोदी को देखने के बाद। आप ही मोदी को देखने आए हैं? नहीं, हम मोदी जी को देखने आए हैं। यहाँ भी जो विकास का कार्य हो रहा है उसको देखने के लिए आए हैं। हम मोदी जी की तरफ से हैं। जय जय भारत। आपने वोट डाला कि आप भी मोदी जी को देखने आए हैं? हम वोट बाद में डालने वाले हैं, पहले मोदी जी हमारे राज्य को देखने के लिए आए हैं हम। अच्छा, वोट कहाँ है आपका? यहीं पर है? हाँ, यहाँ ही है, रानीप में। क्या काम हुआ है आपका गुजरात में यहाँ पर? हाँ, बहुत काम किया है मोदी ने। काम काफी हुआ है सर। आप वोट डाल दिया? वोट अभी डालने का है, पर अच्छा। वो निकलेगा बाद भी वोट डालूंगा ना। अच्छा, तो ये ऐसी पोलिंग बूथ में आपका वोट? नहीं, हम तो यहाँ दिग्विजय में है। अच्छा, तो आप भी देखने आए हैं? हाँ, देखने को आया है। अच्छा, आप वोटिंग करके आए हैं? अच्छा, आपने वोट कर दिया? सामने पड़ा है बाइक, तो जाना कैसे? तो ऐसा घूम घूम के आया हूँ, तो अभी वो सपोर्ट कर दो तो सामने बाइक लेने जाऊँ। अच्छा, आप बताइए। बोलिए सर। क्या वोट डाल दिया आपने? नहीं, अभी डालने का बाकी है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ वोट मोदी जी को देखने आए कि वोट डालने? मोदी के जो देखने आए।